आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी एक लालची कुत्ते की, ठीक है? कौन सी कहानी? एक लालची कुत्ते की कहानी सुनाएंगे, ठीक है? एक बार की बात है, एक कुत्ता था, उसको बहुत जोर की भूख लगी थी। कुत्ता बहुत भूखा था। कैसा था? भूखा था। तो उसको बहुत भूख लगी थी, तो अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी वो एक होटल के बाहर जाके पहुंचता है, वहीं टहलते टहलते सड़क से एक होटल के सामने जाके पहुंचता है। वहाँ बाहर जो डस्टबिन रखी थी वहाँ भी उसको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। क्या मिला? रोटी का टुकड़ा मिलता है, ठीक है? तो वो रोटी जो है, जो उसको मिली थी टुकड़ा उसका, उसको वो अकेले बहुत अच्छे से बैठ के खाना चाहता था, ठीक है? शांति से बैठ के उसको पूरा आनंद लेके खाना चाहता था रोटी टुकड़ा। तो फिर कहता है कि अब मैं इसको कहीं दूर ले जाके आराम से बैठ के खाऊंगा। तो हुआ था, रोटी का टुकड़ा लिया था, वो उसको आराम से बैठ के खाना चाहता था, ठीक है? तो वो आराम से बैठ के खाने के लिए उस अच्छी जगह की तलाश कर रहा था जहाँ वो शांति से खा सके और कोई उसकी रोटी का टुकड़ा छीन ना सके। तो वो जगह की तलाश कर रहा था और सोच रहा था कि मैं इस नदी को पार करके उस तरफ चला जाऊँगा, जंगल में आराम से बैठ के खाऊँगा अकेले। सोचा कि मैं ये नदी पार कर लूँ। तो जब नदी वो पार कर रहा था, टुकड़ा मुँह में लिया हुआ था अपना, अब पार कर रहा था, जब पार करते हुए जैसे बढ़ता है आगे, पुल से पार कर रहा था ना, आगे बढ़ता है, तो वो देखता पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है। क्या देखा? पानी में देखो तो अपना मुंह दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे वो भी देखता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसका ही मुंह दिख रहा है। वो सोचता है, पानी में देखता है, वो जब वो देखता है पानी में तो उसको एक और कुत्ता दिखता है। उसके अपना मुंह देखता है ना, प्रतिबिंब देखता है, तो उसको लगता है ये दूसरा कुत्ता है, ये भी रोटी का टुकड़ा लिया हुआ है ना। तो सोचता है मैं उसका रोटी का टुकड़ा अगर छीन लूं तो मेरे पास दो रोटी के टुकड़े हो जाएंगे ना। तो वो फिर वो सोचता है कि मैं इसका टुकड़ा छीन लूं, और वो छीनने के लिए मुंह खोलता, जैसे भाव की आवाज़ निकालता है, उसका टुकड़ा जो है मुँह से छूट जाता है और जाके नदी में गिर जाता है। और फिर उसका टुकड़ा नदी में बह जाता है, वो भाव 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 करता रहता है और टुकड़ा बह जाता है। और फिर बाद में वो देखता है उसमें कोई मतलब उसको कुत्ता दिखाई भी नहीं देता है, वो अपना चेहरा ही देख के भाव भाव करता रहता है। और उसके बाद उसका रोटी का टुकड़ा बह जाता है। तो लालच बुरी वाला है, लालच नहीं करना चाहिए ना। अगर उसको जो टुकड़ा मिला था वहीं आराम से बैठ के खा लेता और लालच नहीं करता तो उसको अपना टुकड़ा तो मिलता ही। उसने लालच की, वो और लेना चाहता था, इसलिए उसका टुकड़ा नदी में गिर गया, बह गया। मजा आई?